दोस्तों, आजकल की स्थिति को देखते हुए ये साफ पता चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनका व्यापार ऑलमोस्ट बंद हो गया। इस सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए हम में से बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज हो गया है कि हमें एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम लोगों के पास हमेशा एक बैकअप प्लान या फिर एक पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, ताकि किसी भी बुरे वक्त में हम इकोनॉमिकली स्टेबल रहें। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी ही पार्ट टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाली हूँ। इसे आप एक तरह का पार्ट टाइम बिजनेस भी मान सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जहाँ आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, कोई लॉस नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं है, कोई सेल्स जनरेट नहीं करना, और ये आप फ्री टाइम में कर सकते हैं और हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कमा सकते हैं। कमाई करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला होता है किसी के अंडर एक जॉब कर लो, या तो अपना एक खुद का बिजनेस कर लो। काफी लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगाएगा कौन? इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है लेकिन लॉस भी हो सकता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं जॉब करना। पर क्या कभी आपने ये सुना है कि जॉब करते करते एक इंसान करोड़पति बन गया? नहीं ना। करोड़पति वही इंसान बनता है जो बिजनेस करता है। बिजनेस का एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करना या तो फ्रेंचाइज ओनर बनना। फ्रेंचाइज ओनर यानी कि आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी या ब्रांड जैसे कि मैकडोनल्ड्स, H&M एक्सेट्रा, इनका एक फ्रेंचाइज ओन करते हैं। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट का ये फंडा होता है कि ओनर 3% काम करेगा और 97% उनके अंडर काम करने वाले उनकी टीम करेंगे। अब ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास में उतना पैसा नहीं होता, और फ्रेंचाइज उन्हीं कंपनी का लिया जाता है जिनका ऑलरेडी एक अच्छा नाम बन गया हो मार्केट में। पर एक ऐसी कंपनी भी है जहां हम बिजनेस कर सकते हैं बिना कोई पैसे लगा के, बिना कोई लॉस बेयर करें, कोई टारगेट नहीं होता कंपनी में, कुछ बेचना नहीं होता, और फ्री टाइम में भी कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। हम हर महीने डेली यूज के प्रोडक्ट्स जैसे सोप, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट, डिश वॉशिंग लिक्विड, हेल्थ सप्लीमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, वुमेन हाइजीन प्रोडक्ट्स, ये सारे सामान हम रिटेल शॉप्स या सुपरमार्केट से खरीदते हैं। तो क्या कभी किसी दुकानदार ने आपसे ये कहा कि आप हर महीने हमसे हजारों का सामान खरीदते हैं, हमारी तरफ से ये आपके लिए 1000 रुपये? नहीं कहा ना। वो ऐसा नहीं कर सकते। हम बस उन्हें पैसे दे के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और घर ले आते हैं। कैसा रहेगा अगर आप यही सारे डेली यूज के प्रोडक्ट एक कंपनी से ले, महीने की लगभग 3000 की शॉपिंग करें और आपको पलट के 30,000 रुपये आने लगे, आपको पलट के 3,00,000 रुपये आने लगे या 30,00,000 आने लगे? आप लोगों को बहुत खुशी होगी अगर आप सिर्फ महीने के 3,000 या जितना भी आपको मन कर रहा है उतने की शॉपिंग करके अगर पलट के इतने सारे पैसे अगर आने लगे तो हर इंसान को खुशी होगी। मैं एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, आपको सिर्फ खरीदना है, बेचना नहीं है। बेचना हमारी पर्सनल विश है। अगर आपका मन है तो आप बेच सकते हैं, अगर आपका मन नहीं है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चाय, तेल, पेस्ट, ये सब खरीद के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, कि आटा, दाल, चावल, ये सब खरीद के हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस चीज़ को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर पैसा जनरेट किया जा सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, राइट? सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर लूँ। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर होते हैं। रिटेलर के पास जाते हैं हमारा सारा सामान खरीदने। रिटेलर अपना सामान एक होलसेलर से खरीदता है। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर CNF एजेंट के पास जाता है और CNF एजेंट कंपनी के पास जाता है सारी चीज़ें खरीदने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर एक कंपनी 40 रुपये में मैन्युफैक्चर करती है तो वो हम तक आते आते 100 रुपये का बन जाता है, क्योंकि बीच में इन सभी लोगों को पैसा एज अ कमीशन जाता है। हमें प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है TV, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इन सब में एडवर्टाइज देख के। तो यानी करोड़ों का पैसा इन बीच के लोगों में खर्च कर दिया जाता है। अब आप देखिए कि हमारा ही हार्ड अर्न मनी इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन क्या कभी किसी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होता है कंपनी से, जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तो क्या उसकी क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट होती है? नहीं ना। तो ये बिचौलियों को पैसा क्यों दिया जाए? अब मैं आपसे बात करूंगी डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में।
यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट वही 40 रुपये में ही मैन्युफैक्चर होता है और हमें मिलता है 100 रुपये में, बचे बीच में 60 रुपये। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर पैसा जनरेट हो सकता है तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है। ऐसा करोड़ों रुपये जो इन लोगों पे खर्च होता था वो हम बचाते हैं, हम एक प्रोडक्ट को सीधा कंपनी से कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं, यानी कंपनी टू कस्टमर, और यही बीच का पैसा हम लोगों को वापस मिल जाता है एक बिजनेस प्लान के द्वारा, और इसी को कहते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करती हूँ तो लोगों के दिमाग में एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बन गई है। लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी आती है, लोगों से पैसे लूट के चली जाती है, पर ऐसा है नहीं। कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, बस एक दो कंपनीज जो गलत काम करती है उनकी वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब हो जाता है। बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर साल कम से कम 30 से 40% मिलियनेयर्स प्रोड्यूस करती है, यानी 30 से 40% जो करोड़पति बनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बनते हैं। ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जहां हम बिना कोई पैसा लगा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करती हूँ। इंडिया में इस समय 300 से ज़्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये इंडिया की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है जो 2004 में ओखला न्यू दिल्ली में शुरू हुई थी। जब वेस्टीज शुरू हुई थी तब कंपनी में केवल 10 प्रोडक्ट्स और कुछ 6-7 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, लेकिन आज की डेट में कंपनी में 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और 1,80,00,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो महीने का हजारों और लाखों में कमा रहे हैं। पूरे इंडिया में 3,000 से ज़्यादा सर्विस ब्रांचेस हैं और इंडिया के अलावा बहरीन, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरेबिया, UAE, थाईलैंड, ओमान जैसी बहुत सारी कंट्रीज में वेस्टीज शुरू हो चुकी है, टारगेटिंग 20 कंट्रीज बाय 2020। कंपनी में 4,500 से ज़्यादा कार अचीवर्स, 180 प्लस लग्जरी कार अचीवर्स और 15,000 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हैं। अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वेस्टीज 63rd पोजीशन पे आती है और अगले साल तक टॉप 50 में आना निश्चित है। बात करते हैं टर्नओवर की, तो वेस्टीज जब 2004 में शुरू हुई थी तब कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ था, लेकिन अगर पिछले साल की बात करें यानी 2019, तब कंपनी का टर्नओवर था 1,850 करोड़ विद अ CAGR ऑफ 79%। ये तो हो गई कंपनी के बैकग्राउंड की बात। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स क्यों लिए जाएं। हम प्रोडक्ट्स दो चीज़ें देख के खरीदते हैं, पहला है क्वालिटी और दूसरा है प्राइस। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो वेस्टीज की कंपनी और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को ढेरों अवार्ड्स और सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया है जो कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को जस्टिफाई करते हैं। उसके साथ साथ कंपनी हमें 30 डेज मनी बैक गारंटी भी देती है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे ना लगे तो आप थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ करके वापस कर दीजिए तो कंपनी आपको पूरा पैसा वापस कर देगी। ये मनी बैक गारंटी इसलिए दी है क्योंकि कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे विश्वास है। प्राइस के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे हर प्रोडक्ट पे कम से कम 10 से 20% तक का डिस्काउंट मिलता है MRP पे। हर प्रोडक्ट्स कंपनी हमें एक कंसिस्टेंसी ऑफर भी देती है। ये ऑफर ये है कि अगर हम 4 महीने तक लगातार 3,000 की शॉपिंग हर महीने करें तो 5वें महीने हमें 2,500 के प्रोडक्ट्स जिनका MRP 3,000 होता है वो हमें फ्री में मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बिजनेस में हमें करना क्या होगा। सपोज ये मैं हूँ, अगर आज मैं कंपनी से जुड़ती हूँ अपनी डिटेल्स और अपना गवर्नमेंट ID प्रूफ सबमिट करके, तो मुझे कंपनी एक यूनिक ID देगी। उस ID पे जब मैं 30 PV यानी कि लगभग 1,000 से 1,200 तक की शॉपिंग करती हूँ तो मेरी ID एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूँगी। अब अगर मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो मैं अपने कुछ दोस्तों, रिश्तेदारों, कॉलीग्स को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, तो वे लोग भी कंपनी से जुड़ते हैं, प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अपनी मर्जी के। इसके बाद मैं अपने टीम मेंबर्स को एजुकेट करूंगी, गाइड करूंगी, सपोर्ट करूंगी, हेल्प करूंगी, ताकि वो लोग भी अपने कुछ दोस्तों को इन प्रोडक्ट्स और कंपनी के बारे में बताएं और कंपनी से जुड़ें। तो मेरे कहने पे मेरी 6 की टीम बन गई। वो 6 अपने कुछ 6 दोस्तों को जोड़ेंगे तो 36 की टीम बन गई। ये 36 अपने 216 बनाएंगे
और वो 216 अपने 1296 बनाएंगे। अब मुझे मिला के मेरी पूरी टीम बन गई है 1555 की। ऑन एन एवरेज अगर हम सभी लोग 800 से 900 की शॉपिंग करते हैं इस महीने, तो हमारा इस महीने का टर्नओवर हो गया 13,21,750। दुकान नहीं लगाई, मकान नहीं लगाया, कोई मैन पावर यूज नहीं की, ना कोई इन्वेस्टमेंट किया, उसके बावजूद मेरा इतना बड़ा टर्नओवर गया। मैं बन जाती हूँ कंपनी में क्राउन डायरेक्टर और मेरे इस महीने का पे आउट होगा 2,20,000। मेरे डाउनलाइंस को कंपनी उनके बिजनेस के हिसाब से पेमेंट कर देगी और मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया उन्हें भी कंपनी उनके बिजनेस के हिसाब से पेमेंट कर देगी। मैं एज अ क्राउन डायरेक्टर इतना पैसा कमा सकती हूँ महीने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पे आउट कैसे मिलता है। तो हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 20%, डायरेक्टर बोनस मिलता है 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है 15%, ट्रैवल फंड मिलता है 3%, कार फंड मिलता है 5% और हाउस फंड मिलता है 3%। और यही है वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान। तो अगर आपको भी वेस्टीज के साथ जुड़ना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर उस पर्सन को कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको ये वीडियो फॉरवर्ड की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।